हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका सोल्यूशन दे दीजिएगा। तो मैंने उनको सोल्यूशन तो भेज दिया था, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है, इसकी वजह से मैं इसका वीडियो पुटअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया था, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेंड ऑन द बुक ऑफ नटराज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 30 लाख। फिर वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया है 2 साल का। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग को एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो हम नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है वैसे नहीं बनाते, इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा पुराना साल का जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो सब डाल देंगे, यानी वर्क सर्टिफाइड हम लोग को सबसे पहले दे दिया 9 लाख। फिर उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को बोला है 50,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को दिया मटेरियल, मटेरियल का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 10,000। फिर आया हमारा मशीन, डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू है, तो मशीन हम लोग का हो जाएगा 1,50,000। रिजर्व प्रॉफिट को फिलहाल तो छोड़ दो। उसके नीचे हमारा है मटेरियल एक्सपांस 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद लेबर हम लोग को दिया हुआ है 3 लाख। देन उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट एक्सपांस जो है वो आया 1,20,000। और लास्ट हम लोग को सेल ऑफ मटेरियल बोला है, तो इसको ही फिलहाल हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक का हम टोटल करते हैं, 9,50,000 + 10,000 + 1,50,000 + 4,00,000 + 3,00,000 और 1,20,000 कर दिया, तो टोटल हमारा एक्सपांस है 19,30,000। उसमें से रिजर्व प्रॉफिट को हम लोग को माइनस करना है। रिजर्व प्रॉफिट हमारा कितना था, 50,000, तो 50,000 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 18,80,000। ये अभी तक का हमारा एक्सपांस हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग का सेल्स भी था, तो सेल्स ऑफ मटेरियल जो है वो भी माइनस कर देंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट वैल्यू, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमारी कितनी थी, 25,000, तो 25,000 हम माइनस कर देंगे, तो बैलेंस हमारा आ गया 18,55,000। ये अभी तक का हमारा एक्सपांस हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर। अब एडिशनल एक्सपेंडिचर में कौन सा करना है, तो नीचे वाला जो मटेरियल एक्सपांस वगैरह दूसरे साल का दिया हुआ है वो हम लोग कर देंगे, यानी मटेरियल एक्सपांस हम लोग को दे दिया 2 लाख। देन उसके बाद हम लोग को लेबर एक्सपांस बोला है जिसका वैल्यू था 50,000। मैं आगे वाले साल का कर रही हूँ, इसकी वजह से आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपांस जो है वो हम लोग का दिया 60,000 और हम लोग को कंटीजेंसी एक्सपांस दे दिया है कितना, 20,000। ठीक है, ये सारे एक्सपांस मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, अब इनको भी हम लोग जोड़ देंगे। 18,55,000 + 2,00,000 + 50,000 + 60,000 + 20,000 किया तो हम लोग का टोटल एक्सपांस हो रहा है 21,85,000। ठीक है, अब उसके बाद नीचे प्लांट का वैल्यू निकालना है, तो प्लांट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को 31 दिसंबर 2010 का प्लांट का वैल्यू जो है बुक वैल्यू वो दे दिया 2 लाख, बराबर। और उसका डेप्रिसिएशन हम लोग को बोला है 12.5%, ये हम लोग निकालेंगे तो हमारा आएगा 25,000। ये हमारा क्या हो रहा है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट 11 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक हमारी प्लांट की वैल्यू जो थी वो थी 1,50,000 जो हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी, बराबर। उसमें से पहले तो ये 25,000 को हम माइनस कर देंगे, 1,50,000 में से 25,000 माइनस कर दे तो है 1,25,000। देन वापस हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट 12 से लेके 30 जून 2012 तक का हमारा डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो किसके ऊपर निकालेंगे, 25,000 के ऊपर 6 मंथ का। 25,000 × 60/12 कर दिया तो कितना आ गया, 12,500। ठीक है, माइनस कर देंगे 12,500 में से, तो हम लोग का रेसिडुअल वैल्यू जो है वो आ जाएगा 11,2500। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे, 21,85,000 - 5,000 - 11,2500, तो हम लोग का बैलेंस जो है वो बचेगा 20,67,500। ठीक है, ये हम लोग का क्या बच रहा है, तो ये हम लोग का जो है वो प्रॉफिट बच रहा है। अब इससे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम लोग को क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का कितना दिया हुआ है, 30 लाख, तो इसमें से हम 30 लाख को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। 30 लाख को माइनस कर दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो आया 9,32,500। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ओके, अब दोस्तों इसके आगे हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को और भी एक काम करना है। इसमें से कितना परसेंट प्रॉफिट जो है वो हम लोग को बैलेंस शीट में डालना है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का 30 लाख
ऊपर, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 30 लाख था, तब हमारा प्रॉफिट जो है 9,32,500 है। तो 24 लाख के ऊपर कितना, 24 लाख क्या है, तो आगे वाले ने हम लोग को दिया हुआ है वर्क सर्टिफाइड 24 लाख, तो उसके ऊपर कितना इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं होगा, इसकी वजह से पहले डिवाइड कर दो। 9,32,500 डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 24 लाख, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो हम लोग का हो गया 7,46,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डी मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।